हाय, आज मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं ऑफिस से बनाऊं। ऑफिस में वीडियो कम ही बनाता हूं क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है पता है आपको, ये सेम बैकग्राउंड मुझे कुछ हद तक परेशान करता है। मतलब सेम बैकग्राउंड और कुछ एलिमेंट, जैसे ये एलिमेंट सेट करना है तो इनकी विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं आती है। बट इसका सॉल्यूशन है ना, मैंने कई बार आपको सॉल्यूशन दिया और सब जानते हैं आज के टाइम पे वो क्या है, हमारी ग्रीन स्क्रीन पीछे। इसमें क्या होता है, चुटकियों में हमारा बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, उसके बाद जो चाहे वो एलिमेंट में ऐसे ऐड कर पाता हूँ और अपने वीडियो को और भी इंटरेस्टिंग बना पाता हूँ। बट इसका छोटा सा ड्रॉबैक पता है क्या है, थोड़ा सा रोहित भाई जूम आउट करो यार, ये मेरा ऑफिस है और इतना कबाड़ा सा दिखता है, देख लो आप। कोई भी मीटिंग या ऑफिशियली मैं नहीं कर पाता हूँ। उसके बाद में अगर मुझे सपोज एक वीडियो शूट करना है और अगला वीडियो मुझे 10 मिनट बाद शूट करना है, तो बता मेरी स्थिति क्या होती है। दो मिनट अनुज, आओ इसको ऊपर रख दो। तो हमारी स्थिति ये होती है, इस तरीके से रखना होता है। अब ये किसी भी हद तक ये ऑफिस तो लग नहीं रहा है, ये लग रहा है कि बस एक स्टूडियो भी नहीं लग रहा है। तो ये प्रॉब्लम ना, मैं आपको अभी देखो, मैं आपको एक बाइट दिखाता हूँ मेरे स्टूडियो की। अब देखो इस बाइट में भी आप देखोगे हमारा इतना अच्छा स्टूडियो है, पर उसमें जब भी हम क्रोमा शूट की बात करते हैं तो उसमें बहुत एफर्ट लगते हैं। पहली बात तो उस वॉल पे हमारे इस क्रोमा को फिट करने में। सेकेंडरी इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है, इस स्टूडियो के लुक को पूरा ज़ीरो कर देता है। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने सोचा क्या उपाय लगाया जाए। देखिए, आपको ब्रॉड लेवल पे करना है तो कोई बात नहीं, पर अगर बैठे बैठे ही काम चलाना है, बैठे बैठे ही वीडियो डिलीवर करना है, या फिर आप अपने ऑनलाइन लेक्चर्स बनाना चाहते हो, तो मैंने एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन अमेज़ॉन पे मिला। अच्छा, इसकी इंस्पिरेशन मुझे पता है कहाँ से मिली, इसकी इंस्पिरेशन मुझे मिली इस बंदे से। Hey Frankie, this is the last time I'm gonna warn you. Please refrain from wearing Raven's outfits. इस बंदे के वीडियो देखने के बाद में मुझे समझ में आ गया कि बॉस ऐसा तो अपन भी कर सकते हैं। अपन के बाहर नहीं घूमेंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे, बट अपन तो अपने ऑफिस में बैठ के काम चला लेंगे और अच्छा वीडियो बना लेंगे। तो चलिए उसकी अनबॉक्सिंग करके, उसका सेटअप करके बताता हूँ आपको कि कैसे आप बेस्ट वीडियो बना सकते हैं। तो प्रॉब्लम हुआ सॉल्व और इस चेयर के लिए ले आए हम लोग ये प्रोडक्ट। इसकी इन्फॉर्मेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप डायरेक्टली इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। चलिए मैं उसको थोड़ा ओपन करने की कोशिश करके आपको दिखाता हूँ कि ये मैं भी फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ। इसी के अंदर बिल विल सारी चीज़ें हैं और देखते हैं ये कैसे दिखता है। दिखने में अब तक तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लेट्स सी इसका आउटपुट क्या होगा। और है तो दिख रहा है बड़ा दमदार, हैवी सा है, क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। पैसे लगे 1500 रुपये तक अमाउंट अगर देना बनता है इस पर, मगर आप इसको ओपन करके अगर मैं देखूँ एकदम से खुलता है ये भी। ओ शानदार, तो ये रहा हमारा चेयर का क्रोमा। अभी फिट कैसे होता है मैं वो भी देख लेता हूँ थोड़ा सा, इसके लिए मुझे मेरे टीममेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, पर ठीक है। देखिए यहाँ पे ये ओपनली, ओह शानदार, किसी भी चेयर के साथ होगा ये फिट। ऐसा कैसे फिट होगा ये भी देख लेते हैं। थोड़ा समय लगा इसको समझने के लिए क्योंकि क्या हुआ था, इसमें कोई मैनुअल है नहीं। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। हमने इसे कैसे लगाया, पता है इसको लगना कैसे? तो देखिए इस साइड पर आपको ये बैक साइड है, ये इसका होता है फ्रंट साइड, और इस फ्रंट साइड को अनुज भाई आपकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमें सही तरीका जब ढूंढा तो रोहित भाई ने ढूंढा, तो अभी वो कैमरा संभाल रहे, नहीं तो पूरा क्रेडिट उनको मिल जाता। अब देखो अब आपको क्या करना है, अब थोड़ा फ्रंट आओ कि यहाँ से इसको ऐसे पुश कर लेना है। आपको कितना नीचे रखना है, जैसे मुझे तो अक्सर ये बहुत नीचे रखना होता है क्योंकि मेरे हाथ का मूवमेंट भी मुझे दिखाना होता है, तो मैंने यहाँ पर ऐसे लगा लिया। अब इसके बाद में बैक साइड पर आइएगा, देखो बैक साइड पर आपको ये चीज़ दी हुई है ऐसे, अदरवाइज ये सब उल्टा झुलता हुआ नज़र आएगा। मगर आप इसको अनुज थोड़ा उसट जाइए, इसको अगर आप ऐसे कर लोगे तो ये पीछे से भी उड़ जाएगा ऐसे करके। तो इसका बिहाइंड द सीन एक बार पीछे आइए, ये देखो ये जो सेक्शन है ना ये ऐसा दिखता है पूरा प्रॉपरली। क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी नो डाउट, वैल्यू फॉर मनी बहुत अच्छी है। एक बार फ्रंट व्यू पे आते हैं, देखिए आप ऐसे, मैं बैठ गया हूँ यहाँ पे और इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज़ रोहित थोड़ा जूम करना। और ऐसे हम चुटकियों में क्रोमा कट कर सकते हैं। देखिए अभी क्रोमा कट करके मैंने आपको दिखाया है, एक बार क्रोमा की हटाओ और देखो ये है हमारा पूरा रेडी टू यूज़ शानदार सा स्टैंड, जो अपने बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छा है। जो भी टीचर, जो भी यूट्यूबर सिंपली बैठ कर पढ़ाते हैं ना एक चेयर पर,
या फिर सारी चीज़ें गेमिंग खेलते हैं या फिर कोई भी हो, जैसे मैं तो अक्सर मेरे वीडियोस चेयर पे बैठ के होते हैं, तो ये बेस्ट है। तो देखा आपने, इस पे हार्डली 1500 से 2000 रुपए आपको खर्च करना पड़ेंगे। मैं आपको अमेज़ॉन की लिंक दे देता हूँ, इस बायर से आप खरीदिएगा। लिटरली मैंने इसकी क्वालिटी देखी, बहुत ही शानदार है, तो आप जाइए इसको बाय करिए। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सिंपल कर्टन से जो 300-400-500 रुपए का मार्केट में मिलता है, 1600 में आपको विद स्टैंड आपकी चेयर पे फिक्स होने वाला मिल रहा है, बेस्ट चीज़ है। इसको अडॉप्ट करिए और आप उठाइए इस क्रोमा स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन का, आप चाहे जूम पे पढ़ा रहे हो, कैसे भी पढ़ा रहे हो, आप यूट्यूबर हो, गेमर हो, आपके लिए ये बहुत काम की चीज़ है। मैं अपने स्टूडियो में जब मैंने बैकग्राउंड लगाया, ग्रीन बैकग्राउंड लगाया घर वाले स्टूडियो में, तब भी वो ग्रीन से अच्छा क्रोमा कट नहीं हो रहा था, मगर इससे OBS में बात करो, जूम पर बात करो या बात करो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से, क्रोमा बहुत ही शानदार कट हो रहा है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इस प्रोडक्ट को बाय करिए और अपनी लाइफ को ईजी बनाइए। इससे ईजी आपकी लाइफ और भी बनती रहेगी, बनाते रहूँगा मैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा और ऐसा कौन सा नेक्स्ट वीडियो आप बनवाना मुझसे चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रॉब्लम को मैं ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।